नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ अंजू, आपकी हिंदी अध्यापिका। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम अपनी हिंदी पाठमाला नई साथी पाठ 12 लुक्को मोसी एकांकी को पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से पाठ को समझेंगे एवं उसको सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पाठ को शुरू करने से पहले हम कुछ बातें आपसे जानना चाहते हैं। तो आप सभी तैयार हैं? चलिए, सबसे पहले बच्चों आप मुझे बताइए कि जब आपके माताजी पिताजी घर से बाहर जाते हैं तो वो आपको क्या कहकर बाहर जाते हैं? सभी बच्चे अपना उत्तर देंगे, क्योंकि बच्चों आपके मन के जो भाव होते हैं जब आप उनको बाहर निकालते हैं तो आप बहुत कुछ नया सीखते हैं और अपनी बातें दूसरों के सामने रखते हैं। बिल्कुल सही बच्चों, जब आपके माता पिताजी घर से बाहर जाते हैं और आपके साथ आपका कोई छोटा भाई या बहन होती है तो उनकी रक्षा आप किस प्रकार करते हैं? बिल्कुल सही, आप एक जिम्मेदार नागरिक बनकर उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि आपके ऊपर उनकी जिम्मेदारी होती है। अच्छा बच्चों, एक अंतिम सवाल और मैं आपसे पूछूंगी, उसके बाद हम अपने पाठ की तरफ बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जब आपके माता पिता घर से बाहर जाते हैं तो वो आपको क्या कहकर घर से बाहर जाते हैं? वो आपको क्या बताते हैं और आप कैसे उन बातों का ध्यान रखते हैं? बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, उसके उपरांत हम अपना पाठ पढ़ेंगे। क्योंकि हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेंगे तो हमें पाठ को समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले हम कुछ कठिन शब्द हैं उनके अर्थ समझेंगे। आफत, आफत का अर्थ होता है मुसीबत। तरकीब, उपाय। प्राण, जान। लुक छिप, छिपकर आना। बच्चों, ये हमारे पाठ में आए कुछ कठिन शब्द हैं। अब हम अपना पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, एकांकी होता है नाटक का छोटा रूप जो रंगमंच पर किया जाता है। उसमें दो या तीन पात्र होते हैं, वो अपना संवाद करते हैं। संवाद का अर्थ होता है बातचीत, वो कुछ सीख देना चाहते हैं लोगों को। तो हम अपना पाठ शुरू करते हैं समझने का प्रयास करना। इस पाठ में एक लोमड़ी होती है जो बच्चों को खा जाती है, चूजों को, मुर्गी के चूजों को खा जाती है। और वो दोनों बच्चे एक गहन चिंतन में होते हैं, मुर्गी उनके साथ नहीं होती। तो आधी रात का समय होता है और दोनों ही बच्चे गहन चिंतन में होते हैं। उनकी चिंता इस बात पर है कि किस तरीके से इस लोमड़ी से छुटकारा मिले उनको। तो दोनों ही सोच रहे होते हैं कि इस लुक्को मोसी ने तो हमारे नाक में दर्द दम कर रखा है, हमारे सभी छोटे भाई बहनों को खा गई, सभी चूजों को खा जाती है, सब उससे परेशान है। तो एक बोलता है, पहला बच्चा होता है, वह कहता है कि हाँ मैं छोटा हूँ, अन्यथा मैं कुछ न कुछ जरूर करता। तो दूसरा बच्चा कहता है, छोटे हैं तो क्या हुआ, हम कुछ न कुछ उपाय तो सोच ही लेंगे। तो पहला बच्चा कहता है, चलिए आप सोचिए, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। जैसा कि आप भी करते हैं कि घर में बड़ा भाई होता है या बड़ी बहन होती है तो छोटों को थोड़ा सा रहता है कि वो आराम करे, उनका ख्याल रखने के लिए उनके पास बड़ा भाई या बड़ी बहन है। तो उसी तरीके से छोटा बच्चा बोलता है कि मैं आराम कर लेता हूँ, आप उपाय सोचिए। थोड़ी देर के बाद वह बच्चा गहन विचारों में लीन होकर कोई ना कोई उपाय सोच रहा होता है कि तभी उसका ध्यान कुएं की तरफ जाता है। सामने कुआं होता है, वह कुआं कुएं की तरफ जाता है और उसको एक उपाय समझ आ जाता है, वह एक उपाय सोच लेता है। उसकी तरकीब बड़ी ही अच्छी होती है, वह भागता भागता अपने भाई के पास आता है और कहता है कि मैंने एक तरकीब, एक उपाय सोच लिया है।
तभी पहले बच्चे को सामने से आती लोमड़ी दिखाई देती है और वह कहता है, वो तो ठीक है भाई, परंतु सामने देखो, सामने से लुको मौसी आ रही है। तो वो कहता है, आने दो, आज तो मैं खुश हूँ। तो पहला बच्चा डर जाता है कि उसको तो ये लगता है वो उसको खा जाएगी। लोमड़ी भी दूर से ही सोचती हुई आ रही है, आज मुझे कोई भी शिकार नहीं मिला, इन चूजों को खाकर थोड़ी मेरी भूख शांत होगी और स्वाद भी आ जाएगा। तो बच्चा कहता है कि आइए लुको मौसी, आइए, हम आपका इंतजार कर रहे थे, आज हम आपके खाने के लिए कुछ लेकर आए हैं। लुको मौसी बड़ी खुश होकर कहती है, क्या लाए हो, जरा मुझे भी बताओ। तो लुको मौसी कहती है, अच्छा क्या लाए हो, मुझे भी बताओ। तो बच्चे कहते हैं, हम आपके लिए पनीर का टुकड़ा लेकर आए हैं। मौसी कहती है, कहाँ है पनीर का टुकड़ा। तो दूसरा बच्चा कहता है, चलिए मेरे साथ साथ, और दोनों बच्चे लुको मौसी को लेकर चले जाते हैं। अब कुएं के पास जाकर कहते हैं, मौसी कुएं के अंदर झांकिए। तो लोमड़ी मौसी होती है, लुको मौसी होती है, वो कुएं के अंदर झांकती है। तो कहते, देखो सामने नीचे कुएं में पनीर रखा है। तो बच्चे बोलते हैं, आप पनीर को खाकर आराम से अपनी भूख को शांत करो और हमारे लिए भी लेकर आना। तो बिल्ली मौसी, लोमड़ी मौसी कहती है, वो तो ठीक है बच्चों, लेकिन मैं कुएं के अंदर जाऊंगी कैसे। तो दूसरा बच्चा बोलता है कि कुएं में दो बाल्टियां हैं और एक चरखी है, एक बाल्टी से आप नीचे जाना, दूसरे से ऊपर आ जाना। तो लुको मौसी बोलते हैं, ठीक है मैं कुएं के अंदर जाती हूँ। जाते जाते बच्चे फिर से बोलते हैं कि ठीक है, आप पनीर का टुकड़ा हमारे लिए भी लेकर आना। लुको मौसी कहते हैं, ठीक है अगर मेरी भूख शांत हो गई, बच गया, तो मैं आपके लिए ले आऊंगी। और वो पानी में चली जाती है। पानी में जाने के बाद वो डूबने लगती है, तो आवाज लगाती है, चिल्लाती है, निकालो निकालो बाहर निकालो। लेकिन बच्चे कहते हैं, लुको मौसी, पनीर का टुकड़ा तो आपने खा लिया, अब थोड़ी सी देर और आराम कर लो, आपने हमें बड़ा परेशान किया है, थोड़ी देर सो जाओ। लेकिन बिल्ली मौसी कहती है कि नहीं, मुझे बचा लो, बाहर निकालो बाहर निकालो। लेकिन बच्चे हंसते हुए कहते हैं कि नहीं बिल्ली मौसी, आप सो जाइए, और जोर जोर से हंसते हुए गाना गाते हैं। लुको मौसी, लुक छिप कर तुम आती थी, चूजों को खा जाती थी, पाप किए थे तुमने भारी, अब तो बोलो राम नाम, लुको मौसी राम राम। दोनों बच्चे हंसते हुए गाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। बच्चों, इस एकांकी में आपने सीखा कि किस तरीके से दोनों बच्चों ने बड़ी ही चतुराई से उस लुको मौसी का सामना किया और अपना धैर्य के साथ, धैर्य के की परीक्षा दी, अपने धैर्य के बल पर उन्होंने लुको मौसी को मार दिया और सभी को खाने से बचा लिया। प्यारे बच्चों, आपको इस एकांकी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किस तरीके से अपनी रक्षा करनी चाहिए? इस एकांकी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें धैर्य एवं चतुराई के साथ हम बड़े से बड़े शत्रु का भी सामना कर सकते हैं। हमारे अंदर धैर्य और चतुराई का होना बहुत ही आवश्यक है, उसके बल पर हम बड़े से बड़े शत्रु को भी हरा सकते हैं। अब बच्चों, पाठ में क्या सीखा आपने, ये जानने के लिए मैं आपकी परख जरूर करूंगी कि आपने कितना सीखा। तो आप सभी तैयार हैं? जी, ये मुझे पता है, क्योंकि आप हमेशा से ही तैयार रहते हैं, आप पाठ को अच्छे से समझते हैं और उसके उपरांत अपने प्रश्नों के उत्तर बड़े ही आसानी से देते हैं। तो चलिए, चूजों के लिए कौन आफत थी, सभी अपना उत्तर देंगे। बिल्कुल सही, चूजों के लिए लुको मौसी आफत थी। बच्चों ने पनीर का टुकड़ा किसे कहा, सभी उत्तर दो। बिल्कुल सही, बच्चों ने पनीर का टुकड़ा चंदा मामा की परछाई को कहा। मुर्गी के बच्चे लोमड़ी को कहां लेकर गए, बिल्कुल सही,
मुर्गी के बच्चे लोमड़ी को कुएं के पास लेकर गए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपने अच्छे से कहा एकांकी को समझा होगा, आपको एक सीख मिल गई होगी कि किस तरीके से हम अपने धैर्य एवं चतुराई के बल पर शत्रु को जीत सकते हैं, किसी दुष्ट को दुष्टता के साथ एक सीख सिखा सकते हैं। और कभी भी ये नहीं सोचना हमें कि हम छोटे हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें अपनी रक्षा करना आना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपने पाठ को अच्छे से समझा होगा, पाठ से संबंधित कार्य पत्रिका व प्रक्षेपण पत्र आपको जल्दी ही दे दिया जाएगा। तब तक के लिए आप वीडियो देखकर अभ्यास कीजिए, कठिन शब्दों का लिखित अभ्यास अपने पेरेंट रजिस्टर में करेंगे ताकि आपकी वर्तनी संबंधी सुधियां ठीक हो जाए और आप आगे कोई भी गलती ना करो। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।